हेलो फ्रेंड्स, हेलो हाय, छोड़िए, जय माता दी बोलिए। तो गाइस, वेलकम बैक टू एसजी दूरबीन। और बहुत टाइम के बाद मुझे मौका मिला है वीडियो डालने का। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था पिछले कुछ महीनों में। मैं बताऊँ तो मैं अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ। और मैं अपने बिजनेस के बारे में भी बताऊँगा, मैं क्या स्टार्टअप किया है, क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसके ऊपर भी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप सिंगापुर में, किसी भी कंट्री में हो, अगर आप NRI हो, किसी भी कंट्री में हो और या इंडिया में ही हो, आपको बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि मैं रियलिटी बताऊंगा विद द फैक्ट, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पर हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ, एज इन माई एक्सपीरियंस, मीन्स अपने एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। और आपको बहुत हेल्प होने वाला है कैसे आप फाइनेंशली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो गाइज, उसके ऊपर मैं एक सीरीज बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, सीरीज़ चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, जिससे आपको सच में इन फ्यूचर आपको फाइनेंशली स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। सच में मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं जैसे कुछ और यूट्यूबर्स हैं कुछ भी बोल के मोटिवेशन दे दे के आपको, मैं ऐसा नहीं है। मैं विद द फैक्ट आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया ये सब और क्या कर रहा हूँ, मीन्स जिससे आपको भी इन फ्यूचर हेल्प हो सके। कि अगर आपको भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकेंगे। ये इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो एनीवेज, आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। और रही बात टॉपिक की, तो आज का जो टॉपिक है वो है, मुझे पिछले 4-5 महीनों में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया। फ्रेंड्स आप लोगों में से ही हैं जिन्होंने मुझे मैसेज पे बहुत से सेम ही क्वेश्चन किए, ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टडी वीज़ा को लेके, और जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और जो अप्लाई करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी सिंगापुर में हैं। तो इन इन लोगों का मुझे ज़्यादातर सेम ही क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं क्यों ना कवर करूं। तो टॉपिक तो और भी थे, लेकिन ये मुझे थोड़ा ये बोल लो कि थोड़ा नीडी है, बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, इसलिए क्वेश्चन यही है कि हमें वहाँ पर जाकर पार्ट टाइम जॉब मिलेगी कि नहीं। अगर हम मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दिया है और भैया मुझे वहाँ जाकर पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है कि नहीं, और जो ऑलरेडी सिंगापुर में है उनके ये क्वेश्चन होता है कि भैया यहाँ पे हमें पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं मिल रही है, रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है, और हमें एजेंट ने लूट लिया, हमें तो एजेंट ने ऐसे बोला था, वैसे बोला था। तो गाइज, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे अपनी वीडियो में। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, यही कंफ्यूजन है, क्योंकि एजेंट ने, ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं उन्होंने कंफ्यूज कर रखा है। वो बोलते कुछ और है, वहाँ पर जाकर मिलता कुछ और है स्टूडेंट को, तो ये चीज़ में गड़बड़ है थोड़ी। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है या अभी आप करना चाहते हो, बी अवेयर, एजेंट की बात मत सुनिए। अभी अगर मैं आपको ये बताऊं तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, विद द फैक्ट मैं बता रहा हूं। इसलिए अभी थोड़ा टफ हो रखा है पार्ट टाइम जॉब के लिए, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं चाहे आप उनसे भी कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा बहुत ज़्यादा टफ हो रखा है यहाँ पे हमें वक्त स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब मिलना। अगर आप फाइनेंशली स्ट्रांग हैं तभी ट्राई कीजिएगा सिंगापुर आने का स्टडी वीज़ा पर, मीन्स अगर आपकी फैमिली थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर सकती है वहाँ पर जाके, ये नहीं कि आप बिल्कुल डिपेंड हो जाएं कि अगर हमें वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिलेगी तभी हमारा वहाँ का रहन सहन हो पाएगा, मैं अपना खाने पीने का खर्चा उठा लूँगा, ये वो। तो बिल्कुल 100% ये सोच कर मत आना, बहुत ही टफ हो रखा है। और रही बात कि वहाँ क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही है, तो गाइस जॉब, ये बात मैंने पहले अपनी बहुत सी वीडियो में बोला है कि जॉब इसलिए नहीं मिल रही, पहले के रूल्स में था कि अगर स्टूडेंट
क्योंकि सिंगापुर में सबसे पहली बात तो सिंगापुर में प्राइवेट स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो इट्स अ इलीगल 100%। तो इसलिए पहले क्या होता था, अगर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता हुआ किसी कंपनी में पकड़ा गया तो सिर्फ सज़ा जो भी है, फाइन है या डिपोर्ट किया जाता था सिर्फ स्टूडेंट को। जिस कंपनी में काम करता हुआ पकड़ा गया उसको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि क्योंकि वो पैसा कमा के दे रहे हैं सिंगापुर को, सिंगापुर गवर्नमेंट को, इसलिए उनके उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। और उनको कहाँ भेजेंगे, मोस्टली जो बिजनेसमैन है वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं लोकल ही हैं, ठीक है 90% तो लोकल ही है, तो इसलिए। लेकिन अब और उनको इसी बात का कोई डर नहीं होता था, हमें क्या होगा, हम रख लेते हैं पार्ट टाइम, हमें ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हमारे ऊपर कोई एक्शन भी नहीं आएगा, तो इसलिए पार्ट टाइम जॉब बहुत ज़्यादा मिलती थी वहाँ पे स्टूडेंट्स को। और जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं, लोकल्स को जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि लोकल ने ऑफ कोर्स सैलरी हाई लेनी है, काम भी एक 8 घंटे ही करना है, तो जहाँ पे स्टूडेंट ने 10 10 12 12 घंटे काम करना है और सैलरी पर आवर के हिसाब से लेनी है 8 डॉलर 9 डॉलर 10 डॉलर इतने हिसाब, तो ये फर्क पड़ता था। और अब क्या हुआ है, इसी बात को जब वहाँ के लोगों ने कंप्लेन किया लोकल्स ने कि ऐसे है कि हमें जॉब की शॉर्टेज हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, ज़्यादातर फॉरेनर्स आके पार्ट टाइम स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को देख के गवर्नमेंट ने फिर नया रूल बनाया कि अब अगर स्टूडेंट को फाइन पड़ेगा या जो भी है सज़ा मिलेगी, वही सेम रूल अब एम्प्लॉयर पे, जो कंपनी तुमको हायर करती है उसके बॉस के ऊपर भी वही लागू होगा, वही सेम लॉ। तो इसलिए अब कंपनीज के बॉस वो भी डर गए हैं कि अगर हमारी कंपनी में कोई स्टूडेंट काम करता हो पकड़ा गया तो हमें भी फाइन पड़ेगा, हमें भी सजा होगी, तो इस डर से अब वो पार्ट टाइम स्टूडेंट बहुत कम रख रहे हैं, बहुत ही कम, और बहुत सेफ्टी के साथ सोच समझ के रख रहे हैं। रख रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा पहले करते थे अब बहुत कम। तो आप अगर आप सिंगापुर में हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो स्टडी वीज़ा पे, तो भाई आप बहुत ही लकी हो, बहुत लकी हो कि आपको जॉब मिली है, और आराम से कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, करिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है तो वो भी ढंग से नहीं करते हैं, तो फिर कंप्लेन करते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा भाई, अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो और आपको पार्ट टाइम जॉब मिली है तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि उनसे पूछिए जो ऑलरेडी हैं सिंगापुर में और घर बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि सेकेंड मीन्स अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, लंच में मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है रहने की सिंगापुर में गाइस, रेंट। 1 मंथ तो ऐसे बीतता है सिंगापुर में, 1 मंथ ऐसे, 1 मंथ क्या 1 साल ऐसे, सालों साल ऐसे बीतते हैं पता नहीं लगता, तो इसलिए सबसे बड़ी टेंशन होती है फूड का। तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं गुरुद्वारा वगैरह में खाना खा के, गुरुद्वारा में तो वो हो जाता है, लेकिन मेन होता है रेंट का, रेंट का बहुत ही टफ है वहाँ पे। और रेंट के बाद हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो ये रीज़न था। मैंने विद द फैक्ट बताया है आपको, रीज़न बताया है कि क्यों ऐसा है, और आगे आपकी मर्जी है आप कैसे एजेंट आपको बात करता है आपके साथ। और हाँ कई एजेंट, हाँ कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बताया कि एजेंट कह रहा है कि हम तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दिलवाएंगे, और कई स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सिंगापुर में हैं उन्होंने भी बोला कि हमारे एजेंट ने कहा था कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दिलवा देंगे, तो अब यहाँ आके उसमें देखो उनकी क्या टेक्निक होती है गाइस। आपको एजेंट यहाँ बोल देगा कि हाँ आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी वहाँ पे, उसको क्या है, उसको तो पैसे से मतलब है। ऐसा क्या होता है कि उनका एक वहाँ पे जैसे कोई कंपनी है, कोई भी इंडियन ने बिजनेस शुरू कर रखा है, किसी भी एक्स वाई जेड ने, किसी पे भी उनके लिंक में, मान लो मैं एक एजेंट हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया है, मैं और मैंने फिर इंडिया में एक
ऑफिस सेटअप कर लिया, मैं एजेंट बन गया, मैं स्टूडेंट भेज रहा हूँ सिंगापुर, मैं क्या करूँगा? अपने फ्रेंड को बोलूँगा जिसका भी रेस्टोरेंट है, उसको बोलूँगा भाई इसको 1 महीना रख लेना, स्टूडेंट भेज रहा हूँ, इसको मैंने बोला पार्ट टाइम जॉब दिलाऊंगा, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब दिलाऊंगा, तू इसको 1 महीना अपने पास रख ले, 1 महीने के बाद तू चाहे कोई भी रीज़न एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न देके इसको निकाल देना, काम ख़त्म, मेरी भी हेडिक ख़त्म और तेरी भी हेडिक ख़त्म, वो हमें कंप्लेंट। सो गाइज देखिए कैसे इन लोगों ने बिजनेस बना रखा है, और अगर आपके पास साथ ऐसा हुआ है तो यू कैन इमेजिन, वो कोई ना कोई रीज़न काम को लेके, कुछ भी रीज़न, आपकी सैलरी काटेंगे, आप गुस्से में छोड़ देंगे, ये वो, तो स्टूडेंट भी फिर एजेंट को कुछ नहीं, मीन्स अगर मैं एजेंट हूँ स्टूडेंट भी मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं तो कहूँगा भाई तुझे काम दिलवाया था लेकिन अब वो कह रहा है कि कंपनी कह रही है कि तूने ढंग से काम नहीं किया, तो उसमें मेरी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये रीज़न होता है। मीन्स इस तरह से गेम चल रहा है मार्केट में, बहुत ही सोच समझ के गाइस, जो भी आपको ये श्योरिटी देते हैं एजेंट, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, पिकअप दिलवा देंगे, रूम दिला देंगे, ये वो, बहुत से सब फ्रॉड है, और बहुत सोच समझ के, अगर आपको स्टडी वीज़ा के लिए जाना ही है डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, मेरे लिंक में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डायरेक्ट अप्लाई किया, मेरी वीडियोस ही देख के उन्होंने डायरेक्ट अप्लाई किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अभी वो सिंगापुर में है, तो आप डायरेक्ट जाइए, आपके खर्चा भी बहुत कम होगा। इवन उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप करवा दीजिए मेरा, तो मैंने तो साफ बोला भाई मैं करवा दूंगा लेकिन मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है, बट उनको ये था कि कॉलेज कहाँ, उनको मैंने बोला ये कॉलेज में सर्च कर लो, आप बात करो, मेरा रेफरेंस दे देना, हो जाएगा काम, ठीक है, रेफरेंस मेरा दे सकते हो वहाँ के कॉलेज में, आपका काम 100% हो जाएगा, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, इवन मानोगे नहीं कि वो कॉलेज, कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं कि जो मुझे जानते भी नहीं है फिर भी वो जाके कॉलेज को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है, तो मुझे एक दो कॉलेज वालों का मुझे भी मैसेज आया कि आपने रिकमेंड किया है सर, मीन्स वो एक्चुअली वहाँ पे कमीशन वाला सिस्टम चलता है, तो ऑफ कोर्स जैसे एक ही कॉलेज में 4-5 स्टूडेंट्स जाके किसी सेम आदमी का नाम लें कि इस बंदे ने हमें रिकमेंड किया ये कॉलेज, तो वो भी सोचेंगे कि यार बंदा कौन है, ऑफ कोर्स कोई भी पूछेगा हाँ ये कौन बंदा है, किसने हमें रिकमेंड किया, मिस वो मुझे जानते नहीं है लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो कॉलेज कैसा है, तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो आप लोगों से लेना देना, आपको मुझ पर ट्रस्ट है इसीलिए, तो मुझे ना उनसे कोई कमीशन चाहिए ना आपसे कोई कमीशन चाहिए, कुछ भी नहीं, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गाइज, तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता लगा होगा, और आपकी 100% ना सही 80% आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी कि वहाँ सिंगापुर में क्या चल रहा है और यहाँ पे एजेंट क्या कर रहे हैं इंडिया में, ये सब है, तो गाइज वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो सीरीज़, अगर आप चाहें तो मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, और जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप सब आपको सीखने को मिलेगा, जिससे अगर आप सिंगापुर में हो अर्निंग कर रहे हो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि आपको सेविंग्स कैसे करनी है, पैसा कैसे बचाना है, और मुझे मेरा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, आपको सब कुछ हेल्प होगा, तो गाइस मैं, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ मेरी वीडियो में विद द फैक्ट, और मैं खुद एक्सपीरियंस लेके फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं एनी हाउ मीन्स इतने साल हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, आप मेरा चैनल देख भी सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, मुझे इतना भी नहीं है कि मुझे YouTube से पैसा है, जस्ट मैं हेल्प करता हूँ, और किसी का भी मुझे मैसेज आता है अगर मुझे हेल्प हो तो मुझे 1 रुपया भी किसी से नहीं चाहिए, बस जस्ट फॉर हेल्प, क्योंकि मैंने देख रखा है मैं जिस सिचुएशंस में निकला हूँ मुझे पता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी और को भी, आप लोगों को भी वो प्रॉब्लम्स देखनी पड़े, तो इसलिए, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।